जानी को अभी जो है वो पथरी की प्रॉब्लम हो रही है, तो बार बार जाना पड़ता है। आपको कैसे मालूम? अब वो मेरे बगल में बैठे और कब से दवाइयां खा रहे हैं तो मुझे मालूम है ही सही, लेकिन सच में उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर है। वो निश्चित रूप से आपको वो उल्लास तक ले जाएंगे जिसके आप हकदार हैं, लेकिन मैं अपने क्रम पर हूँ। अंतिम चार पंक्तियां नहीं नहीं पढ़ो। हाँ ये देखो मदरा खोलना है। गजल की रोशनी में हल्के हल्के आई है, भाई कमाल के लोग हो आप सच में भी। जिस तरीके से उसने बोला, नहीं वो तो देखो उसकी उम्र देखो और तुम्हारी देखो, पहली दूसरी का पट्टी पाड़ा है ये, और एम ए की किताब पढ़ना चाह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाप की तरफ से ट्राई कर रहा है। बेटा इतना मत कर। हाँ नहीं वो बाप की तरफ से करे या काका की तरफ से करे, पर चार पंक्तियां मेरी सुन लीजिए। हाँ कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। इधर से निकली है क्या? अच्छा, हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। वाह। चार पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। जो आपने कहा है वो भी सुनाऊंगी, लेकिन एक मुक्तक जो पीछे से आवाज आई थी मैं वो सुनाती हूँ। स्वागत। कि नैनो ने नैनो ही में मदिरा घोली रात भर। वाह वाह वाह। मुझे मालूम था कि मदिरा का नाम आते इधर से उछाल आएगा। बढ़िया मुक्तक है भाई। कि नैनो ने नैनो ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप चूड़ी बोली रात भर, मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप चूड़ी बोली रात भर, मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर। आगे का दृश्य खींचती हूँ कि मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर, मर्यादा ने मौन तोड़ा दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। ये लोग अगर विपक्ष के ना हो तो ये भी ताली वाली बजा सकते हैं। अच्छा अच्छा भुवन। अंतिम एक गीत और चार पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। बहुत रात्रि का समय है और सच में ठंड भी बहुत बढ़ गई है। जानी भैया ही आ रहे हैं, बस मैं उन्हीं की भूमिका ही बना रही हूँ। आ रहे। अच्छा, ऐसे थोड़ी आएंगे, पिक्चर देखनी है तो पहले अच्छे अच्छे विज्ञापन देखने पड़ेंगे। स्वागत, सुनाइए। सुनिएगा, बहुत अच्छा सभी ने सुनाया, आपने बहुत हास्य पर ठहाके लगाए। एक विषय जो आज इस मंच से हुआ, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आदरणीय अशोक चारण जी को, जिस विषय को उन्होंने छुआ है, एक बार आपकी सबकी तालियां उनके लिए उठे। बहुत अच्छे विषय पर उन्होंने काव्य पाठ किया। वो तीनों मुक्तक सुनो। बेटी पर मेरी बहुत प्यारी प्रिय छोटी बहन योगिता ने बहुत कुछ कहा। हर कवि की अपनी एक दृष्टि होती है, मेरी दृष्टि क्या सोचती है आप तक पहुँचाती हूँ। ये तीन मुक्तक जब तक मैं नहीं पढ़ती तो मुझे लगता है कि मेरा ये काव्य पाठ अधूरा है, और मैं जानती हूँ कि मैं अपनों के बीच में हूँ, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। मैं ये तीन मुक्तक पढ़ती हूँ और उसके बाद अपना स्थान लेती हूँ। स्वागत, बहुत अच्छा। सुनिएगा,
कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। यहाँ महिलाएं अपनी उपस्थिति रखती, आपकी उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। वाह 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 वाह, भुवन बहुत अच्छे, भुवन बहुत बढ़िया भाई। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा जी। बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। घर में एक बेटी का अगर जन्म है, आपके घर में एक बेटी है, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। कई बार मंच से कई कवि कह देते हैं कि केवल बेटियों की ही बात क्यों की जाती है, क्या बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं। चार पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूँ। मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप धर्म से कितना जुड़े हैं। अगर ये पंक्ति आप तक पहुंचे तो सूचना दीजिएगा कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आंख, पत्रकार लोग यहाँ बैठे हैं, कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। वाह 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 वाह, अच्छा भुवन जी, बहुत 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 जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने परिवार से संस्कारों को लेकर जीते हैं, यहाँ बैठे हैं संस्कारों को लेकर। मैं अपने यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेरा घर है, शहर है, मैं अपने घर से क्या संस्कार लेकर निकली वो आप सभी को समर्पित करके जाना चाहती हूँ। सुनिएगा, कितना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। वाह। तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। दूसरी पंक्ति ने अगर आपके हृदय पे दस्तक दी है तो निश्चित रूप से चौथी पंक्ति आपके मन की होगी। मैं सुनाती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ, विदाई की तालियां आपसे मांगती हूँ, सुने। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या भी। बहुत बहुत आभार मंसूर मुन्ना, आपको बहुत बहुत आभार, और पूरे नगर पालिका परिषद को बहुत बहुत आभार देती हूँ। एक बार सबके लिए तालियां बजाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार डॉक्टर भुवन मोहिनी के लिए। पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार व्यक्त करे। आइए मित्रों, में आपकी फरमाइश, आपके पसंदीदा कवि, और आपके नहीं हम सबके पसंदीदा कवि, जैसा मैंने कहा कि जब जानी बैरागी खड़ा होता है तो वो कवि सम्मेलन बड़ा होता है, तो अब मैं इस कवि सम्मेलन को, वैसे ये बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है लेकिन इसे और बड़ा करने के लिए जानी बैरागी जी को बुला रहा हूँ, और फिर इसका शिखर कलश रखेंगे हमारे बड़े भाई और वीर रस के अग्निधर्मा कवि आदरणीय विनीत चौहान जी। लेकिन इस समय जानी बैरागी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। थोड़ा और ऊपर, वाह, मैं तो खुश हूँ। देखो ऐसा है, ये मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ आदमी हूँ,